हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एग करी। एग करी के लिए हमने ये बॉयल्ड एग लिए हैं और ये दो टमाटो चॉप करने हैं और ये अनियन हमने चॉप किया हुआ है और कढ़ाई में हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालें, जब हमने अनियन चॉप किया था वो अनियन डालें। इस सब्जी के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से हम सॉल्ट डालेंगे। मैं यहाँ 1.5 स्पून डालूँगी। लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और ये मसाला हम अपनी कढ़ाई में डालते हैं। और इस मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। और इसके बाद हम डालेंगे मसाला। देखिए हमारा मसाला हो चुका है, मसाले में तेल छोड़ दिया है। अब हम ये अंडा लेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे और जो इसके बीच की ग्रेवी है उसे मसाले में डाल देंगे। और इसे मसाले में मिक्स कर देंगे। थोड़ा पानी डालेंगे। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना हम इसमें पानी डाल देंगे और फिर इसे थोड़ी देर पकने देंगे। अब जो हमारे एग्स हैं इसमें हम ऐसे छेद कर लेंगे। और इसे कढ़ाई में छोड़ देंगे। अब हम इसे 5 से 7 मिनट ग्रेवी में ही रहने देंगे ताकि इसकी ग्रेवी इसके अंदर अच्छे से समा जाए। ये देखिए, अगर हम इसे राइस के साथ खाना चाहते हैं तो हम अभी गैस बंद कर सकते हैं क्योंकि हमें राइस के साथ ग्रेवी चाहिए होती है। और अगर हमें रोटी या पराठे के साथ खाना है तो हम इसे 5 मिनट और पकने देंगे।
इसके बाद हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। ये हमारी अंडा करी रेडी है। ये हमारी झटपट बनने वाली अंडा करी रेडी है। आप इसे ट्राई कीजिए और बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।